यार देखने में एक बार देखो कितने ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। ये बोटी कबाब है। बोटी कबाब है, ये मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। ब्यूटीफुल प्लेट्स कबाब की, ये है वेज कबाब, ये है मटन गलौटी कबाब, ये मुगलाई पराठा है। कबाब का पी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब हाथ लगाने से ही टूट रहा है यार। सो ये यार कबाब तो बढ़िया चीज होती है भाई। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम नोएडा के ब्रह्मपुत्र मार्केट में घूम रहे हैं और यहाँ पर हम स्ट्रीट फूड के बहुत सारे ऑप्शंस टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने खाया था अफगानी चिकन शॉर्मा रोल, दैट वाज सुपर डिलीशियस। अब मैं सेकंड लोकेशन पर आपको लाया हूँ जो कि बहुत ही आसपास है, दैट इज कबाब। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा वेज कबाब और नॉन वेज कबाब। तो बेस्ट थिंग अबाउट नोएडा की ब्रह्मपुत्र मार्केट की बेस्ट चीज पता मुझे क्या लगी कि यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड के सारे ऑप्शन ना, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अभी शॉर्मा रोल खा के निकला था, मैं पास में ही पहुंचा, मुझे कबाब दिख गए, थोड़ी ही पास में चिकन टिक्का है। तो बहुत सारे ऑप्शन है स्ट्रीट फूड के, जो कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं कबाब। तो लेट्स गो। वो वेज कबाब की लोकेशन, तो मैं यहाँ पर वेज कबाब टेस्ट करूंगा। उससे पहले आपको बनते हुए दिखाऊंगा कि ये बनाते कैसे हैं इस वेज कबाब को। नमस्ते भैया, आपका नाम भैया? माजिद। माजिद भैया, कितने साल से ब्रह्मपुत्र मार्केट में आप लगा रहे हो अपना स्टॉल? 8 साल। 8 साल से जी। क्या बात है। और क्या क्या आइटम रखते हो? वेज कबाब है, एक हो गया, और ये रोल है। वेज कबाब का ही रोल? सारा वेज ही है। अच्छा, सारा वेज ही है आपके पास। वैसे तो सारे नॉन वेज के ही मैंने जितने देखे हैं आसपास, पर आपने वेज रखा हुआ है, तो वेज के भी ऑप्शंस अगर आप यहाँ पर ढूंढ रहे हो तो इनकी दुकान पर आ सकते हो। ये सबसे पहले वेज कबाब मुझे जानना है कि आप बनाते कैसे? सोया दाल केला। अच्छा, सोया दाल केला, ये सारी चीजों का मतलब हेल्दी भी है। क्या बात है। ये आप ये सामने ही जो नीचे आप देख रहे हो वेज कबाब भी बन रहा है, तो कितने रुपए के पीसेस हैं? 15 रुपए पीस है। प्लेट में खाना चाहते हो तो 2 पीस कबाब 2 पीस पराठा 50 का है। अच्छा, अगर रोल खाना चाहते हो तो 1 पीस कबाब 1 पीस पराठा 30 का है। ओके, 1 पीस कबाब 1 पराठा 40 का है। तो हम इसको प्लेट में खाएंगे, 2 पीसेस आप हमारे लिए कर दो, टेस्ट करके अब आपको बताता हूँ कैसे। तो ये आ गए मेरे वेज कबाब। तो इससे पहले एक बारी नॉन वेज लेके आते हैं, चलो। तो ये दूसरी लोकेशन, नॉन वेज कबाब मिलते हैं यहाँ पर। बात करते हैं पहले, आपको बताते हैं बनते कैसे हैं। नमस्ते भैया, आपका नाम? आयात। नाम बहुत बेहतरीन नाम है आपका, आपकी डिश की तरह। भैया क्या क्या है आपके पास? है नॉन वेज कबाब है, उसका आप भी बनाते हैं रोल? रोल भी होते हैं, गलौटी कबाब है, 120 का प्लेट है, मलाई चाप है, बोटी कबाब है, शामी कबाब है। क्या बात है, 5-6 टाइप की वेराइटीज है, सिंगल आउटलेट पर आपको आके खाने को मिलेगी। हमारे लिए आप कौन से वाला लगवा रहे हो? आपका गलौटी लगाया। सबसे पॉपुलर है? सबसे बेस्ट, सबसे पॉपुलर, सबसे बेस्ट गलौटी कबाब का मेकिंग थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। गलौटी कबाब मसाले जो होते हैं सब मसाला से, ये कच्चा पीस का होता है, ये पपाया थोड़ा हल्का पड़ता है। अच्छा, 50 ग्राम। अच्छा, उसको 2-2.5 घंटा घिसना पड़ता है मसाले का। कच्चा पीस जब रेसा फट जाता है तब तवा में डाला जाता है। इसके अंदर जो डलता है वो मटन से बनता है? ओनली मटन, फ्रेश मटन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक प्लेट इसका कितने का है? 120 का प्लेट है, 2 कबाब 2 पराठा होते हैं इसके साथ। यार देखने में एक बार देखो कितने ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ये चटनी, ये जो सॉस टाइप का रखा है, ग्रेवी टाइप का, ये बोटी कबाब है। बोटी कबाब है, बोनलेस पीस है। ये मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में, लेकिन अभी के लिए हम खाएंगे गलौटी कबाब। तो एक प्लेट हमारे लिए बनवा दो। तो नॉन वेज कबाब भी आ गए हैं, अब टेबल पे चलते हैं और दोनों को एक साथ टेस्ट करते हैं। तो
तो ये है मेरी दो ब्यूटीफुल प्लेट्स कबाब की, ये है वेज कबाब, ये है मटन गलौटी कबाब। इसका प्राइस है 50 रुपीज़, इसका प्राइस है 120 रुपीज़। तो आपको इस नोएडा के मार्केट के बारे में बता दूं, तो ये नोएडा सेक्टर 18 आप उतरोगे, वहां से मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर है, आप आ सकते हो यहाँ पर। शाम के बाद ही आना क्योंकि ये मार्केट मेजरली शाम के बाहर ही सारी शॉप्स यहाँ पर शुरू होती है। यहाँ पर आपको कबाब, चिकन शॉर्मा, ना जाने क्या क्या मिलेगा यार, आकर एक बार विजिट जरूर करना। आपने करा हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसा लगता है। और एक और चीज, वेज और नॉन वेज कबाब में से आपको ज्यादा क्या पसंद है वो भी आप बता सकते हो। अब मैं टेस्ट करता हूँ वेज कबाब, मेकिंग वगैरह सब कुछ आपने देख लिया। रोटी मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये मुगलाई पराठा है जिसके साथ इसको दिया जाता है, ये मुगलाई पराठा के साथ सर्व होती है। उसके साथ प्याज है, उसके साथ नींबू है, तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेते हैं चटनी में। ये है हरी चटनी हमारे पास, और ये है हमारे पास वेज कबाब के 2 पीसेस। मेकिंग आपने देख लिया था, सोया चंक्स और उसके बाद बनाना केला भी डलता है इसके अंदर मेकिंग में। कबाब का पी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब हाथ लगाने से ही टूट रहा है। तरीके से उसको फ्राई करा हुआ है और तरीके से ही उसको बनाया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट पीसेस है, किसी भी एंगल से कच्चा नहीं लग रहा। टेस्ट करके बाकी बताता हूँ। तो सबसे पहले वेज कबाब टेस्ट करते हैं। मेरा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वेज की तरफ हो जाता है, बट लेट्स सी नॉन वेज मुझे इतना इंप्रेस कर पाता है या नहीं। वेज कबाब का मैंने एक बाइट उठाया है, आपके मुंह में पानी लाने के लिए थोड़ा सा आपको भी दिखा दूं। लेट्स सी, थोड़ा सा ड्राई है टेस्ट में, बट चटनी के साथ खाओगे बहुत टेस्टी लगेगा। प्लस सोयाबीन वगैरह सारी चीजें जो इसमें डली हुई हैं, तो ये चीज इसको हेल्दी बहुत बनाती है। ये पराठा बहुत सही है, अच्छे से सिका हुआ है पराठा, प्लस इसके साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगा। और टेस्ट करेंगे फिर वेज खाते। सही है यार, कबाब तो बढ़िया चीज होती है भाई। मैं हमेशा शॉर्मा और इस टाइप के रोल्स ही खाए थे, मुगलाई पराठा के साथ मैं फर्स्ट टाइम खा रहा था, डेफिनेटली इम्प्रेस किया मुझे। नॉन वेज पे चलते हैं। सेम चीज मुगलाई पराठा, सेम चीज दो मटन गलौटी कबाब में मटन के पीसेस दो अच्छे से मैश करे हुए। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी, मुझे याद भी नहीं रहेंगी कैसे कैसे इनको बनाया है, तो बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में। तो ये बोटी कबाब की ग्रेवी है जो उसके अंदर जाती है, इसके साथ चटनी और प्याज। अब एक बार ये भी टेस्ट करके देखते हैं। इसका प्राइस है 120 रुपये, ये था 50, ये था 120। इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। ये मैंने मुगलाई पराठा का एक बाइट उठाया, ये मैंने कबाब का एक पीस लगाया, थोड़ा सा चटनी, थोड़ा सा ग्रेवी, अब ये प्याज। तो यहाँ के सारे आउटलेट्स पर आपको कस्टमाइजेशन मिल सकती है, लाइक आपको कोई अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन खाना है कि भाई बोटी कबाब का भी थोड़ा सा ग्रेवी दे दो हमें साथ में, और कबाब के साथ मटन के साथ, तो ये लोग कर देते हैं। आप जैसा भी कस्टमाइज करवा के खाना चाहते हो आप खाना, आकर जरूर खाना। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। लेट्स ट्राई। इसके फ्लेवर्स जहाँ एक तरफ थोड़े हल्के में चले जाते हैं, लाइक लेस ऑफ स्पाइसेस, टेस्ट भी लिमिटेड, इसके बहुत ज्यादा उभर के आते हैं। लाइक कहते हैं ना, चिकन की डिशेस के फ्लेवर्स हमेशा बहुत ज्यादा रहते हैं, इसका वैसा ही है। इसके स्पाइसेस वगैरह मेरे मुंह में मुझे जेन्युइनली वो फ्लेवर्स, वो स्पाइसेस, वो फील हो पा रहे हैं, इतने प्यारे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर। प्लस इसको फ्राई करने का तरीका बहुत अच्छा है इनका, मेरे सामने फ्राई कर रहे थे, प्लस इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो वैसे तो मैं वेज को फेवर करता था थोड़ा, पर ये खाने के बाद मुझे इसी की साइड लेनी पड़ेगी। तो मेरे को तो नॉन वेज वाला बहुत ज्यादा पसंद आया, आपको दोनों में से ज्यादा कौन सा पसंद है आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो भाई, मैंने तो खा लिया थोड़ा थोड़ा, अब मैं ज्यादा नहीं खा सकता क्योंकि मुझे और भी चीजें टेस्ट करनी है। यहाँ पर मैं अगली लोकेशन पर निकलता हूँ, आपको वो वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। आप देखते रहना हमारे चैनल पर, अभी आपने लाइक और फॉलो नहीं कराया अभी कर लेना फेसबुक इंस्टाग्राम पर, सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाकर कर लेना। आप लोग अगर हमारी वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक और शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए मैं हूँ आयुष, थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, लेट्स मीट यू एट द नेक्स्ट लोकेशन ऑफ नोएडा ब्रह्मपुत्र मार्केट, लेट्स गो। तंदूरी चिकन, इसका प्राइस है 260 रुपए, खा के मजा आ जाने वाला है, देख रहे हो पीसेस कैसे टूट रहे हैं। चिकन शॉर्मा है, अंदर चिकन के पीसेस हैं, मैश्ड लेग पीस यार, इसके लिए दिल धड़कता कुछ लोगों का। Subscribe to India Eat Mania for amazing food videos and press the bell icon to never miss an update.